बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम सावन की बात करें तो सावन अपने आप में बहुत ज्यादा पवित्र महीना है, बहुत ही ज्यादा। और पूरा पूरा सावन का महीना जप के लिए, तप के लिए और ध्यान के लिए उत्तम होता है। सावन का महीना साधना के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें सोमवार का और भी ज्यादा महत्व है। इसमें सोमवार की महिमा और ज्यादा बताई गई है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन माना जाता है, चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। यानी सावन का महीना एक तो भगवान शिव का महीना है और दूसरा सोमवार का दिन भी भगवान शिव का है। इसलिए सावन महीने का सोमवार बहुत मूल्यवान माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या है, विवाह की मुश्किल है या जीवन में दरिद्रता है, पैसे रुपए की मुश्किल बहुत ज्यादा है, ऐसा व्यक्ति अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक नियमों के साथ भगवान शिव की आराधना करे तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। दुनिया में आप किसी भी देवी देवता की पूजा करके वो नहीं पा सकते जो शिव की पूजा करके पा सकते हैं, क्योंकि कह दिया तुलसीदास जी ने, भावी में टिसके त्रिपुरारी, भगवान शिव भविष्य और भाग्य को बदल सकते हैं। सोमवार और शिव जी के संबंध की वजह से ही ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। यानी अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है या संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसका समाधान आप सावन के सोमवार की पूजा करके कर सकते हैं। यानी साल भर में एक ही बार सावन का महीना आता है और उस महीने के जितने भी सोमवार हैं, चाहे 4 हों या 5 हों, ये हर सोमवार अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि सावन के पहले सोमवार पर आप और कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र जरूर अर्पित करिएगा। विशेष उपाय क्या है? सावन के महीने में पूरे महीने में पूजा उपासना करना, गहरा ध्यान करना, मंत्र जप करना बहुत ही शुभ होता है। सावन के सोमवार पर अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप उपासना करते हैं तो उसका क्या महत्व है? देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए, खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग नहीं हो या विवाह होने में अड़चन आ रही हो, विवाह होने में रुकावट आ रही हो, तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको भगवान शिव से विवाह का वरदान चाहिए या भगवान शिव से कोई भौतिक वरदान चाहिए तो भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा की जाएगी। अगर कुंडली में आयु की बाधा हो या स्वास्थ्य की समस्या हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। हालांकि जब आयु रक्षा के लिए पूजा की जाती है, स्वास्थ्य के लिए पूजा की जाती है, तो इसमें भगवान शिव की पूजा अकेले की जाती है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम होती है। वैसे तो देखिए, पूरे साल में जितने भी सोमवार आते हैं, हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए,
लेकिन सावन के सोमवार पर अगर भगवान शिव की पूजा करें तो वो बहुत अच्छा होगा। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। तो देखिए, अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग की पूजा में भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की पूजा होती है, क्योंकि शिवलिंग के किनारे जो वेदी बनी हुई होती है वो श्री है, वो शक्ति है, और बीच में जो शिवलिंग है वो शिव का प्रतीक है। तो जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की पूजा करते हैं। सावन के सोमवार पर आप विवाह के लिए, आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से पूजा कर सकते हैं, और ऐसी की गई पूजा के परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। अब अगर आपको सावन के सोमवार पर पूजा करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे, उसका सरल विधान क्या होगा? देखिए, सुबह के समय या प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय है, तो सुबह या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं, घर से नंगे पैर जाएं और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाएं। मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान शिव को साष्टांग लेट करके प्रणाम करें। महिलाएं साष्टांग नहीं करेंगी। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर के या मंदिर में कहीं बैठ करके शिव मंत्र का 108 बार जप करें, नमः शिवाय का। और इस दिन केवल फलाहार ग्रहण करें, केवल फल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान के मंत्रों का फिर जप करें और उनकी आरती करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर के अपने व्रत का समापन करें। यानी सावन के सोमवार पर आप व्रत रख करके पूजा कर सकते हैं और फल और जल ग्रहण करके ही व्रत रखिएगा। और जितना संभव हो सुबह, दोपहर, शाम, रात, जितना आपको मौका मिले आप नमः शिवाय, नमः शिवाय पढ़ते रहिएगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप मंदिर में जाकर के एक बार एक लोटा जल सुबह या प्रदोष काल में चढ़ा दें। अगले दिन सुबह व्रत समाप्त करने के पहले किसी निर्धन को अन्न वस्त्र का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेष उपाय यह है कि प्रयास करिए कि भगवान शिव की जो पूजा आप सावन के पहले सोमवार पर कर रहे हैं, ये पूजा प्रदोष काल में करें, सूर्यास्त के आसपास करें। इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और जल की धारा अर्पित करें। भगवान शिव को ऐसा नहीं कि गए और लोटा उड़ेल दिया पानी का, धीरे धीरे पतली सी धारा बना करके जल की शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाई जाती है। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें। अर्ध परिक्रमा होती है शिवलिंग की, परिक्रमा करें और भगवान शिव से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। ये छोटा सा उपाय अगर आप सावन के सोमवार पर प्रदोष काल में करते हैं, सूर्यास्त के आसपास करते हैं, तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको मिल पाएगी और इस विशेष कृपा की वजह से आप देखेंगे कि आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ गई हैं। खास तौर से जिनको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए या जिनको भी अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना है, उनके लिए ये उपाय करना बहुत जरूरी होगा। देखिए, जब भी आपको विवाह के लिए पूजा करनी होगी आप भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की पूजा करेंगे। और भगवान शिव जब लिंग रूप में विद्यमान होते हैं, शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, तो मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा उसमें ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि नीचे की तरफ की जो वेदी है वो श्री है, वो शक्ति है, वो पार्वती है, और शिवलिंग तो बीच में है ही। अब उसमें आप ऐसा करिए कि थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चंदन ले जाइएगा। पहले आप हल्दी जो है
वो शिवलिंग के नीचे जो वेदी बनी हुई है उस पर हल्दी लगा दीजिए। हल्दी शिवलिंग पर नहीं लगाएंगे, हल्दी स्त्री कारक वस्तु है, उसे शिवलिंग पर नहीं लगा सकते। हल्दी आप नीचे की वेदी पर लगाइए और फिर ऊपर शिवलिंग पर आप चंदन लगाइए। इसके बाद जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। ये प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं या कर सकती हैं अगर शिवलिंग है तो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शीघ्र विवाह के लिए जिस मंत्र का आप जप करेंगे या करेंगी वो मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से शीघ्र विवाह का वरदान मिल जाएगा। देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप नमः शिवाय का जप करिए, क्योंकि ये पंचाक्षरी मंत्र है। अक्सर लोग ये कहते हैं नमः शिवाय क्यों, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं। जब आप किसी अन्य के लिए मंत्र पढ़ेंगे तब आप करेंगे ओम नमः शिवाय। अपने परिवार के लिए, मित्र के लिए, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, संतान, किसी के लिए पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय। लेकिन अपने कल्याण के लिए पढ़ेंगे, अपने लाभ के लिए पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नमः शिवाय, पहली बात। तो अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते, कोई पूजा स्तुति नहीं जानते तो आप नमः शिवाय खूब पढ़िएगा सावन के पहले सोमवार पर। दूसरे नंबर पर आता है रुद्राष्टक। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। रुद्राष्टक का पाठ भी आप कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप संस्कृत में ना कर पाएं तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी में भी रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, किसी बहुत बड़ी समस्या से तुरंत निकलना है आपको, तुरंत आपको राहत चाहिए, तब आप पढ़ेंगे शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, और जीवन में अगर कोई बड़ा भारी संकट आ गया है तो इस पाठ से फायदा होगा। इसके अलावा अगर आपको स्वास्थ्य की रक्षा करनी है या किसी व्यक्ति के आयु की रक्षा का प्रश्न है तो आप महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी स्तुतियां हैं भगवान शिव की। कोई भी मंत्र, कोई भी स्तुति आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों टाइम करिएगा, सुबह भी और शाम को भी। और फिर कहूंगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो केवल नमः शिवाय सुबह और शाम पढ़ने से आपको लाभ होगा।